हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स की। ठीक है, जैसे कुछ तो हमने डेस्कटॉप और वो सारी चीज़ें तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम लोग बात करेंगे लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैम टॉप कंप्यूटर, पैम टॉप, और उसको दूसरे लैंग्वेज आप लिख सकते हैं हैंड हेल्ड, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, और उसके बाद आता है आपका टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप टैबलेट बोलते हैं डेली की लैंग्वेज में, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका जो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स होते हैं उसको बात करेंगे। उसके बाद है आपका पीडीए, पी डी ए, ये होता है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कुछ टाइप के कंप्यूटर्स ही है जो आपके रह गए हैं इनको भी आप, और लास्ट है आपका वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, क्या वेट होता है, क्या साइज होता है। ठीक, पैमटॉप कंप्यूटर या जिसको हैंडहेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, उसका टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और लास्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे वर्क स्टेशन, इसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि लैपटॉप, देखिए लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में तो आज के समय में तो मैक्सिमम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या लगभग सब लोगों ने, सब लोग जानते हैं, सब लोग जो है इसको यूज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, तो उसके बेसिक फीचर क्या है, तो पहली बात तो ये कि ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर का ही टाइप है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका लाइट वेट, देखिए लैपटॉप इसीलिए इसको बोला जाता है लैपटॉप, इसका जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो है इसकी लाइट वेट। लाइट वेट लैप, ताकि आप इसको लैप पे रख सकें। लैप मतलब जैसे आप गोदी, जिसको बोलते हैं हिंदी में, गोद में आप लेके आप इसको काम कर सकते हो। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो यही होता है कि इसका वेट बहुत हल्का होता है। ठीक है, और ये वो सारे काम कर सकता है जो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से कराते हैं। और दूसरा फायदा इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हो बैटरी बैकअप, इसमें जो बैटरी बैकअप होता है, बैटरी बैकअप। ठीक है, मान लीजिए आपको काम करना है 2 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, और आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे पावर कनेक्शन नहीं आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप अपना लैपटॉप लेके बैठ के काम कर सकते हैं, फिर आप इसको चार्जिंग में लगा दीजिए। ठीक, तो ये दो फीचर की वजह से लैपटॉप कंप्यूटर मैक्सिमम यूज किए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये सारे वो काम कर सकते हैं जो काम आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से करते हैं। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पैम टॉप। अब ये भी अपने नाम के हिसाब से भी इनका इनका भी काम है, पैम टॉप, या उनको बोलते हैं दूसरे ढंग से आप कर सकते हैं हैंड हेल्ड। सेकेंड जो हो गया आपका पैम टॉप, या इनको क्या बोलते हैं हैंड हेल्ड, मतलब आप इनको हाथ में ले सकते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। तो देखिए पैम माने क्या होता है, ये जो हाथ की जो हथेली होती है। ठीक, तो ये कंप्यूटर्स इसी साइज के होते हैं। क्लियर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैम टॉप कंप्यूटर, कि इनका साइज जो होता है जितना हम लोगों के हाथ की हथेली होती है वो उतना ही होता है। ठीक, तो सिंपली आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पैम टॉप लाइक लैपटॉप्स आर पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विच आर इवन स्मॉलर एंड लाइटर कैन बी कैरीड इन ए पॉकेट। मतलब ये भी लैपटॉप की तरह ही स्मॉलर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, इवन इतने छोटे और लाइट वेट होते हैं कि
कि आप इनको पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, इनका यूज क्या होता है? अगर आप कहेंगे कि जब इससे ही काम हो जा रहा तो फिर हम लैपटॉप क्यों लें, फिर हम डेस्कटॉप क्यों लें। जनरली इनका जो यूज होता है हैंड हैंड का, मतलब जैसे आप पॉकेट में डायरी वगैरह रखते हैं ना, पहले लोग रखते थे, आज के डेट में भी जो सीनियर लोग हैं वो रखते हैं, उनकी आदत पड़ी, अपना डायरी पेन रखा, उसमें सारा काम कर लिया। आज की डेट में क्या है, जो यंग जनरेशन है वो इसको एज ए, इस लैपटॉप कंप्यूटर को एज ए डायरी वो यूज करते हैं। मतलब यू कैन स्टोर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक फोन नंबर है, अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, और भी कई चीजें हैं, वो सब आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे क्या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से फायदा हुआ कि अब जो पैमटॉप आ रहे हैं वो कलर्ड मॉनिटर के साथ आ रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिंग फैसिलिटी उसके अंदर अवेलेबल है, और इवन वो आप उनसे इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक, इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, और मॉनिटर भी कलर्ड होता है। ठीक, तो ये डेवलपमेंट हुए पैमटॉप कंप्यूटर में। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं टैबलेट पे, जिसको जनरली दे आर कॉल्ड टैबलेट, वैसे तो उसको बोलते हैं टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन अपनी डेली की लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं टैबलेट। ठीक, अब ये टैबलेट क्या होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि इनको मोटा मोटा अगर आपको समझना है तो ये लैपटॉप से तो छोटे होते हैं और पैमटॉप से बड़े होते हैं, उन दोनों के बीच के साइज के, यहां पे हो गया आपका टैबलेट। अब ये जो तीनों हैं आपके, ये तीनों पोर्टेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपको कितना पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, किस साइज का चाहिए, कौन सा आपको कन्वीनियंट रहेगा यूज करने में, आप इन तीनों में से कोई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टैबलेट कंप्यूटर होते हैं वो सिंपली, इसमें क्या होता है कि इसके जो मेन फीचर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इन पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज है टैबलेट कंप्यूटर पे कि द टैबलेट पीसी हैज हैंड राइटिंग रिकग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन देम एज द रिकग्नाइजर पैक इन विंडो एक्सपी टैबलेट पीसी एडिशन 2005। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका ये टैबलेट है, उसकी स्क्रीन पे आपने ऐसे हाथ से सिग्नेचर कर दिया या आपने कुछ लिख दिया तो वो उसको रिकग्नाइज कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये है से, हालांकि अब तो आपके इस तरह स्क्रीन रिकॉग्निशन वाले लैपटॉप भी आ चुके हैं, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि ये टैबलेट का सबसे बढ़िया यूज है। सेकंड क्या है आपका कि सेवरल शॉर्ट हैंड रिकॉग्नाइजिंग टूल, एज जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है ना, जो स्टेनो वगैरह और टाइपिस्ट वगैरह वो लोग यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है टाइपिंग में, शॉर्ट हैंड, ठीक, लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्क्राइब है, ठीक है, और है आपका इंस्क्राइब है आपका, फिर अल्फा टैप है, टैप है, ये सब वर्चुअल कीबोर्ड की तरह, ये जो टैबलेट है वो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के लिए वर्चुअल कीबोर्ड की, जैसे आपने इस पे भाई शॉर्ट हैंड की जो लैंग्वेजेस होती है उसमें ऐसे सिंबल से ही काम होता है, इस तरह से ऐसे, तो आप यहाँ पे ऐसे आप टैबलेट पे लिखोगे तो वो वर्चुअल राइटिंग की तरह ही काम करेगा। ठीक, और तीसरा इसका एडवांटेज क्या है कि इन प्रेजेंट डेज एक्टिव डिजिटाइजर्स आर फिटेड बिहाइंड द टैबलेट पीसी स्क्रीन टू अवेल मैक्सिमम विजिबिलिटी। मतलब कि जो टैबलेट की स्क्रीन है उसके पीछे एक्टिव डिजिटाइजर यूज किए जाते हैं मैक्सिमम विजिबिलिटी के लिए, एकदम क्लियर विजिबिलिटी के लिए आपके ये डिजिटाइजर यूज किए जाते हैं। ठीक, और जनरली जो टैबलेट यूज होता है वो, उसको आप चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली देर आर फोर टाइप्स ऑफ टैबलेट।
फर्स्ट है आपका स्लेट्स, दूसरा है कन्वर्टेबल, पहला है आपका स्लेट्स, सेकंड है कन्वर्टेबल्स, ठीक है, थर्ड है आपका थिन क्लाइंट स्लेट्स और चौथा है आपका हाइब्रिड प्लेट्स, थिन क्लाइंट स्लेट्स और चौथा है आपका हाइब्रिड पीसी स्लेट्स। तो ये डिफरेंट तरह के टैबलेट आज के समय में यूज किए जा रहे हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, ये तो हो गया टैबलेट, नेक्स्ट जो हमने लिखा था आपको वो था पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो जैसे उसका नाम बता रहा है वही उसका काम भी है कि फोर्थ डिवाइस हो गई हमारी पीडीए, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मतलब ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है और डिजिटल डिवाइस है, तो जिसमें आप की डिजिटल डायरी की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डायरी कागज वाली डायरी होती है ना जिसमें पेन से लिखते हैं, वही काम इसका डिजिटल डायरी आप इसको बोल सकते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं कि यू कैन यूज दिस एज ए डिजिटल डायरी, ठीक है। अब एज ए डिजिटल डायरी आप इसमें क्या होता है, एक तो छोटा सा ए स्मॉल स्क्रीन होता है, ठीक, सेकंड स्मॉल कीबोर्ड होता है, ठीक है, और तीसरा क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव कीपैड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैंड राइटिंग, और इसमें एक कीपैड भी होता है, कीपैड जो टाइपिंग के अलावा आप हैंडराइटिंग को भी वो समझ सकता है, हैंडराइटिंग कीपैड फॉर हैंडराइटिंग, ठीक। और चौथी चीज जो आप लिख सकते हैं कि ये आपका बैटरी से काम करता है, बैटरी बैकअप से, ठीक। तो छोटी सी डायरी आप इसको जेब में रख सकते हैं, अपना जो भी छोटा मोटा काम है वो आप इससे, उसमें स्क्रीन भी है, कुछ टाइप करना है कीबोर्ड भी है, आपको हाथ से कुछ लिखना है तो हैंड कीपैड भी है हैंड राइटिंग के लिए, और बैटरी जो चार्ज है अपना जेब में आप रखे हुए उसको यूज कर रहे हैं। तो ये काम होता है पीडीए का एज ए डिजिटल डायरी, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया एक पर्टिकुलर हमने डिजिटल डायरी की एप्लीकेशन बताई है, बाकी पीडीए के जो यूजर्स होते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 करके आप जो है कि पीडीए पहला क्या है कि एज ए कैलकुलेटर, आप भाई इसमें आप एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा टू स्टोर कॉन्टेक्ट्स या फोन नंबर्स, इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका इट कैन स्टोर एड्रेसेस, फोर्थ है आपका इट कैन वर्क एज ए वेब ब्राउजर, नेक्स्ट है इट कैन वर्क एज ए सेलुलर फोन, नेक्स्ट इट कैन यूज एज ए फैक्स सेंडर। फैक्स तो आज की डेट में नहीं यूज होता है, एब्सोल्यूट हो चुका है, जो लोग जानते होंगे कि फैक्स क्या होता है, अब आज के समय में तो ईमेल और सारी चीजें इतनी एडवांस हो चुकी हैं, तो फैक्स पहले यूज होता था कम्युनिकेशन के लिए, तो एज ए फैक्स सेंडर इसको यूज कर सकते हैं। फैक्स क्या होता है मैं आपको बता भी दूं, आप में से काफी लोग जानते भी होंगे। फैक्स में क्या होता है, जैसे आज के समय हम लोग मेल करते हैं तो, या और अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो हम उसको स्कैन करके अटैच कर देते हैं। फैक्स में क्या होता था कि पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई लेटर है, सपोज कीजिए, ठीक, इसको हमें भेजना है वहां पे, तो जैसे आप समझ लीजिए जैसे स्कैन करके आप अटैच करते हो मेल में ना, वैसी फैक्स मशीन आती थी, उसके अंदर जैसे यहां से मुझे दिल्ली भेजना है तो यहाँ पे मैं मशीन के अंदर इसको डालूंगा, ये स्कैन होके बाहर आ जाएगा कागज हमारे पास, इसका सारा डेटा मशीन के थ्रू वायर्स के थ्रू लाइन्स के थ्रू दिल्ली ट्रांसमिट हो जाएगा, और दिल्ली में जो रिसीविंग फैक्स मशीन है
वहां पे जब आदमी जब कॉल जाएगी, जो भी अलर्ट टोन होगी, जब आदमी देखेगा फैक्स आया है, ऑन करेगा, तो प्रिंट होके सेम लेटर की कॉपी वहां निकल आएगी। ये होता था फैक्स के अंदर, ठीक। तो पीडीएफ को आप एज ए फैक्स सेंडर भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ पीडीएफ में इनबिल्ट प्रोग्राम भी सेट होते हैं, इनबिल्ट प्रोग्राम उसके अंदर होते हैं जो फ्यूचर फोरकास्ट प्रेडिक्शन, जो फ्यूचर फोरकास्ट के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस डिजिटल इक्विपमेंट, या और यू कैन से वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, विच इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। आप इनमें से कोई भी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। एक आपका लास्ट रह गया वर्क स्टेशन, तो वर्क स्टेशन भी आपका एक सिंपल कंप्यूटर ही है। और इसमें खास बात क्या होती है, व्हाई दे आर कॉल्ड वर्क स्टेशन, बिकॉज कि इट हैज इवॉल्व फ्रॉम द मिनी कंप्यूटर्स ओरिजिनली यूज फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड सच अदर नॉन पर्सनल वर्क और टेक्निकल वर्क, ठीक है। तो वर्क स्टेशन क्या होते हैं, वर्क स्टेशन भी आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर ही होते हैं, समझ रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन इनकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और वो जनरली स्पेशल काम के लिए, जैसे इंजीनियरिंग वर्क है, ठीक है, या आपका ग्राफिक्स का वर्क है, मतलब डेली वाला काम नहीं, ग्राफिक्स वर्क है, या और कोई भी बहुत हाईली टेक्निकल वर्क है, ठीक है, उसके लिए ये डिजाइन किए जाते हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन, इनकी हार्ड डिस्क, इनकी रैम, इनकी स्पीड, इनका प्रोसेसर उस हिसाब से रखा जाता है कि देख सो दैट दे कैन बी यूज्ड ऑन दीज स्पेसिफिक वर्क्स, इन स्पेशल तरह के कामों को करने के लिए ये सक्षम होते हैं, इसीलिए इनको वर्क स्टेशन कहा जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगा। और अगर आप चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।